नमस्कार बच्चों, एपेक्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वर्क का ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जैसे आप 8 क्लास में वर्क पढ़ते हैं स्क्वायर, उसके कैसे हम आसानी पूर्वक ट्रिक से वर्क कर सकते हैं, उस चीज़ को हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम 50 और 100 के आसपास का स्क्वायर रूल बता रहे हैं, क्योंकि आपको एक का स्क्वायर करना होता है तो ऐसे करते हैं, 1 × 1 = 1। 2 का स्क्वायर करना होता है तो 2 × 2 = 4। 2 में 2 से गुणा कर देते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है तो 4 हो जाता है। इस प्रकार से आपको 30 तक का स्क्वायर याद करना होता है। 30 × 30 = 900। बट इससे बड़ा संख्या होता है तो फिर गुणा करने में बहुत मुश्किलें होने लगता है, इसलिए हमने उसका एक ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत आसानी से किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 55 का स्क्वायर करना हो, 56 का स्क्वायर करना हो, या फिर 46 का स्क्वायर करना हो, 42 का स्क्वायर करना हो, अन्य जो 50 के आसपास का संख्या हो उसका हम कैसे स्क्वायर करेंगे। तो 50 से जितना अधिक है या 50 से जितना कम है, 50 से जितना संख्या अधिक है या 50 से जितना कम है, तो जो अधिक है उस अधिक का, जो कम है उसके कमी का स्क्वायर कर देंगे। और 50 का आधा कितना होता है? 25। 25 में अधिक है तो अधिक को जोड़ेंगे और कम है तो कमी को घटाएंगे। जैसे ये 50 से कितना अधिक है? 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब 50 का आधा कितना होता है? 50 का आधा 25। 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। और ये 50 से कितना अधिक है? 56। 6 अधिक है तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अब 50 का आधा 25 होता है ना, तो 6 अधिक है तो जोड़ देंगे, 25 × 6 = 31। अब देखिए ये 50 से कम है तो ये देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है, तो ये 50 से 4 कम है। 50 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब कम है तो कम ना करेंगे 25 को, 50 का आधा कितना होता है? 25। तो 25 में जितना 50 से कम है उतना घटा देंगे, तो ये कितना कम है? 4 कम है, तो 25 में 4 को घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ये 50 में कितना कम है? 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64। अब 25 में 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 17। इस प्रकार से अन्य जैसे कोई एक संख्या बोलिए, हम बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए 53 हो गया, 53 का स्क्वायर 50 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। कितना अधिक है? 3। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, एक 0 बैठाकर 2 अंक पूरा कर लेंगे। 50 का आधा 25 होता है, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 50 से कम हम ले रहे हैं 49। 50 से कितना कम है? 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 0 बैठाकर 2 अंक पूरा कर लिए, अब 25 में घटा देंगे तो 24। इसी प्रकार से अब हम 100 के आसपास का ट्रिक बता रहे हैं वर्ग का, आप ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए 104 का स्क्वायर करना हो, 105 का स्क्वायर करना हो, या फिर 106 का स्क्वायर करना हो, या 96 का स्क्वायर करना हो, या 95 का स्क्वायर करना हो, या फिर आपका कोई भी संख्या ले लीजिए 92 का स्क्वायर करना हो, तो इसमें भी वही चीज देखेंगे कि 100 से कितना कम है या अधिक। 100 से जितना कम है या अधिक है उसका स्क्वायर कर देंगे। और इसमें क्या है, 100 का आधा नहीं करेंगे, 50 में क्या करते थे हम लोग, यहां तक आधा करते थे, लेकिन इसमें क्या ध्यान देना है कि जो ये संख्या दिया हुआ है ना, 100 से जितना अधिक है इसी में उसको जोड़ देंगे, और 100 से जितना कम है इस कमी को इसी संख्या में क्या करेंगे? घटा देंगे। ये 100 से कितना अधिक है देखिए बताते हैं, समझ में आ जाएगा। 100 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16।
और चार अधिक है ना, तो 104 में चार जोड़ देंगे तो 108। ये कितना अधिक है? पांच अधिक है। पांच का स्क्वायर कितना होगा? 25। पांच अधिक है ना, 105 में जोड़ देंगे पांच को, 110 हो जाएगा। और ये कितना अधिक है? छह अधिक है। छह का स्क्वायर 36। छ अधिक है ना, 106 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 112। अब ये देखिए कम है, ये कितना कम है? 100 से चार कम है, तो चार का स्क्वायर 16। चार इसमें घट जाएगा तो 92। ये कितना कम है? 100 से पांच, पांच का स्क्वायर 25। और पांच इसी में घट जाएगा, इसी में घट जाएगा मतलब 95 में घट जाएगा, कितना जाएगा? 90। ये कितना कम है? आठ कम है। कितना कम है? आठ। आठ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। अब 92 में आठ घट जाएगा तो दो और छ घट गया और कितना हो जाएगा? 84। 84 और कितना हो जाता है? 92। तो इस प्रकार से इस ट्रिक को समझने के बाद बहुत आसान हो गया वर्क करना, बहुत आसान हो गया किसी भी संख्या का स्क्वायर करना। और नहीं तो 53 × 53 करते बहुत टाइम लगता। लेकिन यहाँ क्या देखें, 50 से 3 है, देखें स्क्वायर 9, 0 बैठा कर 2 पूरा कर लिए। 50 का आधा 25 में 3 जोड़ दिया, 28। कम रहता तो घटा देते। 100 वाला में ये 100 से कितना अधिक है? 4। अब 104 × 104 करना होता तो बहुत टाइम लगता ना, लेकिन ये 4 अधिक है क्या किए चचा का? 16। 4 का स्क्वायर कर दिया, 16 हो गया। 4 104 में जोड़ दिया, 108 हो गया। एकदम चुटकी बजाते ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल, वर्ग आपका क्लियर हो जाएगा। और वर्ग का ट्रिक आज हमने बताया, अगला क्लास में आप लोग को वर्गमूल निकालने का भी बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।